सोरेन परिवार की पुत्रवधु और दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी सीता सोरेन ने बसंत सोरेन के लिए अब तक की सबसे बड़ी बात कही है। उन्होंने जो बात कही है उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। खास करके बसंत सोरेन और झामुमो को लेकर जो रिश्ते हैं उसका उन्होंने खुलासा किया है, लेकिन एक बात और भी उन्होंने कही है जो बात आपको हैरत में डाल देगी। आप भी सुनिए। नॉमिनेशन मुझे आज करना था तो बाबा से भी मिले, अपनी सासू माँ से भी मिले और बसंत सोरेन जी से भी मिले घर में थे। हम उनका जो बाहर बात निकली जो न्यूज़ पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिली कि हम जो है कि फिर से वापसी करने जा रहे हैं, इस तरह की हमारी बातें हुई। इस तरह की कोई बात नहीं है, हम ये पूरे तरह से खंडन कर रहे हैं। बातें कुछ और भी हुई जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। उन्होंने जो हमको भारतीय जनता पार्टी के नाम जेएमएम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में हम प्रवेश किए और इस विशाल परिवार में जो हमको सम्मान मिला इसको देखते हुए उन्होंने मेरी तारीफ भी की, कहा कि अच्छा हुआ आप भारतीय जनता पार्टी में गए, क्योंकि उनका भी जो उनका भी जो मन है जेएमएम के पार्टी से उठ चुका है। क्योंकि पूरे प्रकरण में आप लोग देखे ही होंगे और उन्होंने भी जानकारी दी कि जिस तरह के इंडिया गठबंधन में जो रांची में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वो उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि कल्पना सोरेन के द्वारा जो उनके ऊपर भी एक बोलिए तो वो पूरी तरह से पार्टी को कब्जा कर चुके, उन्होंने कहा पूरे तरह से पार्टी को कब्जा कर चुके, बेटा होने के नाते वो हक भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहें कि आप गए अच्छा हुआ, तो मेरे लिए भी एक ऐसा जगह बनाए कि हम भी सम्मानपूर्वक उस पार्टी में जाएं। तो आपने सुना किस तरह से सीता सोरेन ये बताने की कोशिश कर रही हैं और बसंत सोरेन उनसे गुजारिश कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वो भी बीजेपी में उनके लिए कुछ जगह बनाए ताकि वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सके। जाहिर सी बात है ये अब तक की सबसे बड़ी बात होगी झामुमो को लेकर के और बसंत सोरेन को लेकर के सीता सोरेन की तरफ से। सीता सोरेन वैसे तो कल्पना सोरेन को लेकर के और झामुमो की पूरी कार्यप्रणाली को लेकर वो लगातार हमला बोल रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी दोनों बेटियां भी अपने चाचा और झामुमो पार्टी को लेकर के हमलावर हैं। लेकिन इस बीच में सीता सोरेन ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, कल्पना सोरेन जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी पर कब्जा कर ली हैं। लगातार वो वीडियो जारी करके इन बातों को पुष्ट भी कर रही हैं।